हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू टर्न। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी एमएसटी सीटी 2021 की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम यहाँ पे एमएसटी सीटी 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। एक भी पॉइंट अगर आपका गलत हो जाता है, कोई भी डॉक्यूमेंट गलत हो जाता है, तो आप समझ जाओ कि आप एमएसटी सीटी नहीं दे पाओगे। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहो। अगर आपने फॉर्म भर भी दिया है तो भी आप देखो, क्योंकि आपके पास फिर भी चांस हो सकता है कि आप उसको करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को एंड तक बने रहना है। एंड मोमेंट पे वो लोग, हो सकता है कि वो लोग करेक्शन विंडो खोलें, इसलिए आप लोग संभल के पूरा वीडियो देखें जिससे कि आपको पता लग सके, ठीक है। और जिन्होंने नहीं भरा है उनके लिए तो मतलब ये बहुत ही अच्छा चांस है, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो हम ये बात करने वाले हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। तो सबसे पहले आपकी 10th की मार्कशीट आती है, ठीक है। आप सबको स्कूल से अपने अपने 10th की मार्कशीट मिली होती है, उसका डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होता है। नेक्स्ट आपको आधार कार्ड सबमिट करना होता है अपना। सभी बच्चों के पास आधार कार्ड होना ही चाहिए, ठीक है। फिर क्लास 12th के डिटेल्स, क्योंकि अभी तक मार्कशीट तो आई नहीं है, तो डिटेल्स जिसमें आपके स्कूल का नाम, आप कौन से ईयर में पास होने वाले हो, आपकी सिटी, मम्मी पापा का नाम, बर्थ डेट, ये सब लिखे होते हैं, ये वाली डिटेल्स आपको सबमिट करनी है। अगर आप कोई कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, SC ST PWD OBC, तो आपको वो सर्टिफिकेट मैंडेटरीली करना है। अगर आप नहीं सबमिट करते अभी एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट, तो बाद में कैप राउंड के टाइम पे बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी ही अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अरेंज करिए और उसको सबमिट कर दीजिए। करेक्ट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जो कि आप हमेशा यूज़ करेंगे पोर्टल पे रजिस्टर करने के लिए, पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए, आपके एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन क्लोज करने के लिए, एडमिट कार्ड जो आपको मिलेगा तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वैलिड है और जो आपको हमेशा याद रहेगा वही देना है आपको, ठीक है। अगर आपका मोबाइल नंबर श्योर नहीं है तो आप मम्मी पापा का दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि कैंडिडेट का ही होना चाहिए, ओके। उसके बाद आपका आता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स। ये क्यों चाहिए होते हैं, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, ये सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि आपको पेमेंट करना होता है एप्लीकेशन फॉर्म का, सिर्फ उसके लिए आपको पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ यार, हमने MHT CET का एक व्हाट्सएप ग्रुप खोला है जिसमें हम सारे नोट्स, PDF, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टारगेट पब्लिकेशन के बुक्स, मॉक टेस्ट वगैरह सब अरेंज करके वहाँ पर डालते हैं। तो अगर आपको ये सब चीज़ें चाहिए तो लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए व्हाट्सएप ग्रुप पे। आगे बढ़ते हैं यार। तो आगे आप लोगों को पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी सबमिट करना होता है। अब कैसा होता है, बच्चे क्या करते हैं, एक छोटे से पेपर पे साइन कर देते हैं, उसको सबमिट कर देते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं होगा आपका, ठीक है। आपका जो साइज़ है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया, मैं बताऊँगी आपको, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका सिग्नेचर है, सिग्नेचर में आपका साइज़ जो है वो 5 KB to 20 KB है। फ़ोटो निकालते समय अगर साइज़ ज़्यादा हो जाता है तो ऑनलाइन कंप्रेसर टूल्स आते हैं जिससे आप उस इमेज को कंप्रेस कर सकते हो साइज़, बट इस साइज़ के ना तो छोटा होना चाहिए और ना ही बड़ा होना चाहिए इस साइज़ के अलावा, ठीक है। फॉर्मेट जो है आपका JPG होना चाहिए और स्कैंड सिग्नेचर की फ़ोटो होगी तो अच्छा होगा, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे स्कैनर्स अवेलेबल हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ, उसका साइज़ 15 KB से 50 KB, फॉर्मेट JPG और कोई भी ऐप से आप स्कैन कर सकते हो, ठीक है। MS Paint, डॉक्यूमेंट स्कैनर बहुत सारे हैं हमारे पास, ठीक है। साइज़ का ध्यान रखना है और प्रॉपरली स्कैंड हुआ हुआ है, रोटेटेड हुआ हुआ है, सब कुछ ध्यान रखना है, ठीक है। छोटी सी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में आपको मुझे ये बताना है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करते हो, उसका डेमो चाहिएगा, या फिर आपके कुछ एरर्स हो गए एप्लीकेशन फॉर्म में जिसको आपको करेक्ट करना है, उसके रिलेटेड कुछ वीडियो चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। ज़रूर कमेंट करिएगा, कुछ भी डाउट वगैरह हो तो वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद कुछ फीस देनी पड़ती है, ठीक है। तो PCM और PCB के जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए फीस है 800 रुपीज़। महाराष्ट्र कैंडिडेट जिनके पास कोई कास्ट है, ठीक है, फॉर सपोज OBC SC ST, उनके लिए 600 है, और PWD फिजिकली डिसेबल्ड जो लोग होते हैं उनके लिए
या फिजिकली वीकर सेक्शन जो होता है उनके लिए 600 रुपीज़ है। अब ये जो कास्ट, अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट हो और फिर आपकी कोई कास्ट है SC ST या OBC वगैरह कुछ भी, तो आप इस कैटेगरी में नहीं आओगे, तो आपको जनरल के ही अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो बच्चे लेट फीस पे करते हैं, ठीक है, उनको 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इस फीस टाइम से भर दीजिएगा अपनी, लेट मत करेगा वरना बेकार में 500 रुपीज़ देने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है यार, क्योंकि हम यहाँ पे आपको सारा स्टडी मटेरियल, 99% कैसे स्कोर करते हैं, हर एक सब्जेक्ट में 45+ कैसे स्कोर करते हैं, मैथ्स में 90+ कैसे स्कोर करते हैं, टॉपर टॉक्स, 45 डेज की स्ट्रेटजी, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल्स, कैप राउंड के बारे में, उसके अलावा कॉलेज कौन सा अच्छा है महाराष्ट्र का, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सब हम आपको बताएंगे। इसलिए चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब हो जाना यार, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम आपकी काउंसलिंग तक करवा के दे देंगे कि आपके लिए ये कॉलेज अच्छा है, ये कॉलेज नहीं अच्छा है आपके मार्क्स के हिसाब से। तो चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब हो जाओ यार, 0 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट है आपकी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, जिससे कि वो भी आप कोई गलती ना करें, और चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब हो जाइए यार। कुछ भी डाउट होता है तो आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।